हाँ जी दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं आज सुदमा देव। ये हमें चिनैनी से अंदर पड़ेगा सुदमा देव, कोई 1 घंटे का ड्राइव है, और जम्मू से लगते हैं 2.5 घंटे। अब तो रोड काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। तो सुदमा देव में JKUT गवर्नमेंट की ओर से एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा योगा सेंटर बन रहा है, और साथ में जो पुरानी हिस्टोरिकल साइट्स थी उनको भी दोबारा से बनाया जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हम कोशिश करेंगे, हम लोग आपको आज सनासर का भी जो दिखा पाए। सनासर में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है पिछले 3-4 साल से, हम वो भी दिखाएंगे। पिछले साल हमने यहीं पर एक ब्लॉग किया था, श्रीनगर का भी किया था, और हमने ये आपका पत्नीटॉप का भी किया था। तो आज हम आपको लेके चलते हैं सुदमा देव। देखते रहिए सिद्धार्थ जी ब्लॉग। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये जो रोड है दोस्तों, ये जा रहा है ऊपर पत्नीटॉप की ओर, और ये रास्ता जाएगा नीचे हमारा चिनैनी सुदमा देव की ओर। ये रास्ता राइट साइड यहाँ से हमने नीचे हो जाना है। ये जो रोड है दोस्तों, ये रोड जा रहा है ऊपर पत्नीटॉप की ओर। जो ये रोड नीचे आ रहा है, ये हम जा रहे हैं सुदमा देव की ओर। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये हमने वहाँ से ये रोड लिया था नीचे वाला। अगर हम ऊपर जाते जहाँ से ये ट्रक बसें आ रही हैं, आप देख रहे हैं यहाँ बसें नीचे जा रही हैं, तो आप जाओगे नीचे उधमपुर वाली साइड, ये जहाँ छोटी गाड़ी आ रही है, ये रोड हमने लेना है पत्नीटॉप वाला, जो हमें सुदमा देव लेके जाएगा। ठीक है, तो ये सामने का व्यू है दोस्तों, ये व्यू आप देखिए। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, रास्ता यहाँ भी बंद हो जाता है। हमें इस पहाड़ी की बैक साइड पर जाना है, तो आओ चलते हैं देखते हैं। और ये जो रोड है, यहाँ से हमने सीधे जाना है ऊपर, पटनगढ़ नहीं जाना हमने ऊपर मानतलाई सुदमा देव, ये जहाँ पर लिखा हुआ है इसी रोड पर हमने चढ़ जाना है। ये रोड हमें मानतलाई सुदमा देव लेके जाएगी। दोस्तों ये जो रोड है, ये नया हाईवे यहाँ से निकल रहा है, जो शायद डोडे वाली साइड जाएगा। तो ये देखिए आप, खलियानी वाली साइड से ये निकलेगा, ये काम लगा हुआ है इसका, तो ये हम लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा बड़े पिलर बन रहे हैं, ऊपर भी देखिए आप JCP जो है वो अपना काम कर रही है, लगी हुई है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये काफ़ी ईजी हो जाएगा लोगों को यहाँ से डोडा जाने के लिए। तो हमें जो घूम के जाना पड़ता था बटोत वाली साइड से, तो हमें ये बीच से काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं सुदमा देव। तो देखिए ये रोड, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, मैं भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ, ये रोड काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुकी है और इसका काम लगा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ से हाईवे निकलेगा, ये हाईवे जाएगा आपका डोडे वाली साइड, खलैनी वाली साइड। तो पीछे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर काम लगा हुआ है, तो ये आपको मैं अभी दिखाऊँगा अपने पीछे। ये मेरी साइड आप देखिए, यहाँ पर ये पूरा एक हाईवे, छोटा सा एक हाईवे यहाँ पर निकल रहा है, जो हमें लेके जाएगा सुदमा देव साइड। धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और ये रोड है दोस्तों। और हम लोग पहुंच चुके हैं मानतलाई, ये मानतलाई का चौक है, यहाँ से हमने लेना है राइट, और यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मानतलाई। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़, यहाँ पे मंदिर भी हैं पुराने में, वो भी आपको दिखाऊँगा, और साथ साथ में यहाँ पे इंटरनेशनल योगा सेंटर भी जो बन रहा है, और यहाँ पर पार्क्स भी हैं, हेलीपैड्स भी हैं, और कैंपिंग के लिए भी आप लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, और टूरिस्ट बंगले भी यहाँ पे बन रहे हैं, छोटे हट्स भी यहाँ पे बन रहे हैं, और वो सारा कवर करेंगे हम। आप देखते रहिए सिद्धार्थ जी ब्लॉग्स। ये दोस्तों मानतलाई के काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं, यहाँ पर मेले भी लगते हैं, और यहाँ पर सुद्दी का मेला बहुत मशहूर है, और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जूते अंदर लेके जाना मना है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, स्नान घर है ये। तो ये मंदिर है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये मंदिरों का शहर भी बोला जाता है सुदमा देव को, तो हम आपको सारा दिखाएंगे। और दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं मानतलाई। मानतलाई में ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज एट मानतलाई JNK अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। और ये इसके सामने ये देखिए इंटरनेशनल योगा सेंटर है, जो ये बना हुआ है, पैरामिड टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं,
तो यहाँ भी हम आपको पूरा दिखाएंगे ये। और यहाँ पर क्या क्या है देखिए, ग्रीन पार्क है नीचे, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, और व्हीकल पार्किंग है, इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन है। और ये सारा दोस्तों अभी रेनोवेट हुआ है ये पूरा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बैठने के लिए यहाँ पर बना हुआ है। तो हम आपको ये सारा दिखाएंगे। वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट भी है यहाँ पर, और नीचे हट्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं, वो पूरा हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा दिखा सकें। और दोस्तों अभी यहाँ पर हेलीपैड भी है यहाँ पर, और एम्बुलेंस शेड भी है, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर काम लगा हुआ है सारा, ये जितने बड़े बड़े शेड बन रहे हैं सामने देख रहे हो आप, ये एम्बुलेंस के लिए बने हुए हैं। और यहाँ पर पहले एक रनवे था छोटा सा, ये पूरा रनवे था, और ये देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का आश्रम था यहाँ पर। तो अभी इन्होंने ये हेलीपैड बनाया हुआ है, ये सामने आप देख सकते हैं, सोलर पावर प्लांट भी है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा इन्होंने पूरा एरिया को कवर कर दिया हुआ है, जितना भी एरिया था दोस्तों। ये जो है ये हेलीपैड है यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर आने वाले टाइम पे यहाँ पर आप जम्मू से भी सीधे टिकट बुक करके यहाँ पर आएंगे, जितने मेडिटेशन के लिए, तो ये तो बेस्ट जगह है दोस्तों, बिल्कुल पीसफुल है यहाँ पे। इंटरनेशनल योगा सेंटर भी यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर जो आपका जहाज़ है वो लैंड हो जाएगा। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ये एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये हैंगर हैं दोस्तों, ये हैंगर हैं, यहाँ पे भी अभी काम चल रहा है, जो भी जहाज़ यहाँ पर आएंगे यहाँ पर उनका हैंगर है। ये देखिए यहाँ पर काम लगा हुआ है, यहाँ पे आगे सोलर प्लांट का भी काम चल रहा है। तो ये सारा एरिया पहले रनवे था ये, तो ये पार्टीशन करके इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया हुआ है, लगता है कि थोड़े दिनों तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, काम बड़ी ज़ोरों से लगा हुआ है। ये सारा व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने लाटी बसंतगढ़ का एरिया है, जब ये पूरा ऑपरेशनल हो गया तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा मेडिटेशन के लिए, तो इससे बेस्ट कोई भी जगह नहीं है दोस्तों। हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये इंटरनेशनल योगा सेंटर है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी अभी ये बंद है, अभी ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं गार्डन भी इन्होंने बिल्कुल मेंटेन किए हुए हैं दोस्तों, बिल्कुल प्रॉपर ये पूरा रूट बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए आप। और रात को ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा जब आप इसको पूरा देखेंगे। और यहाँ पे नीचे 2 BHK हट्स भी बनी हुई हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। हेलीपैड का तो मैंने आपको सारा बता दिया, इसका अभी काम लगा हुआ है, थोड़ी देर तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये काफ़ी पीसफुल है दोस्तों मेडिटेशन के लिए, योगा सेंटर है ये, तो JKUT गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था ये, काफ़ी देर से इसका काम चल रहा है, तकरीबन 3 साल पहले जब हम आए थे तो यहाँ पे इसका काम चल रहा था, तो अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप भी यहाँ पर आएँ, मेडिटेशन के जो शौकीन हैं तो यहाँ पर आके अपना टाइम बिता सकते हैं। यहाँ पर कैंपिंग का भी है नीचे, वो भी हम आपको बताएंगे, हट्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे। तो हम यहाँ से होते हुए, हमें परमिशन मिल गई है फाइनली इसको कवर करने की, तो हम आपको दिखाएंगे दोस्तों सारा। तो यहाँ पर ये टाइल्स हैं नीचे, यहाँ से होते हुए हम लोग जा रहे हैं योगा सेंटर की ओर। यहाँ पर योगा वेलनेस स्पा और आयुर्वेदिक सेंटर है, ये पूरा हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, ये सामने। और ये पूरा यहाँ का व्यू है, ये देखिए नीचे जो मैं हट्स की बात कर रहा था, वहाँ भी हम आपको लेके जाएंगे और वो भी आपको दिखाऊंगा। ये 2 BHK हट्स हैं, ये भी बिल्कुल रेडी हैं दोस्तों, ये बिल्कुल पीसफुल है। और इन पहाड़ों के पीछे नथा टॉप है, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, योगा वेलनेस स्पा एंड आयुर्वेदिक सेंटर यहाँ पर। और ये देखिए प्लांटेशन की ओर की और भी इन्होंने पूरा ध्यान दिया है, बिल्कुल मेंटेन है दोस्तों ये। और अभी जैसे कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा, ये नीचे रूम्स के बन रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग ये सामने, ये इसका दोस्तों पीछे का व्यू है सारा, बाउंड्री का, ये बाउंड्री वॉल इन्होंने कवर की हुई है, ये सारी योगा सेंटर की है, ये सारा आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पीसफुल है। और हम लोग यहाँ से
जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है अभी, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ये सारा वे है उसका। अगर आपने स्टेयर नहीं यूज़ करनी तो आप ये रैंप भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सीधा इसके अंदर लेके जाएगा। ये देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। मेरे पीछे यहाँ पर आप परिंदों की आवाज़ें सुन रहे होंगे, ये देखिए सारा व्यू। मेडिटेशन के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। सेंट्रल एसी है दोस्तों ये पूरा, और मुझे ये भी लगता है ये सारा सोलर है। ये देख सकते हैं लिफ्ट भी इसमें इंस्टॉल है, काफी ज्यादा अच्छा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ये देखिए सुबह सुबह जब आप यहाँ उठ के खड़े होंगे तो। दोस्तों ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर था, यहाँ से आप लोगों का पूरा कार्ड जो भी आपका बनेगा, पास वगैरह, यहाँ से एडमिशन जो भी आपकी होगी, यहाँ से आप लोग जाएंगे नीचे। जो नीचे हैं वहाँ पर पूरे रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर आप लोगों को योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी सारा बताया जाएगा वो नीचे है। और यहाँ पर, और ये यहाँ पर दोस्तों 2 BHK हट्स और चिल्ड्रन प्ले एरिया, ये सारे हट्स बिल्कुल बन के रेडी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सारा पार्किंग प्ले वे एरिया भी बनाया हुआ है छोटा सा इन्होंने, ये सारे हट्स हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं चिल्ड्रन पार्क। ये सामने जो है अर्पण योग आश्रम है, आप लोग देख रहे हैं सामने, और ये बच्चों के खेलने के लिए छोटी सी पार्क भी बनी हुई है, आप ये भी देख सकते हैं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। आज संडे है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश है क्योंकि हमारे लोगों को अभी इसके बारे में इतना पता नहीं है। तो आप लोग सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर हट्स भी बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल एक मेडिटेशन करने वालों के लिए बेस्ट प्लेस है। ये आप देख रहे हैं छोटी बच्ची खेल रही है सामने, और ये सामने योगाश्रम है, ये तो काफ़ी पुराना है, देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का, उन्होंने बनाया था ये, और बिल्कुल ध्यान से खेलें यहाँ पर बच्चे, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी बन रहा है, काम चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल मेंटेन है अभी ये, पहले तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये रोड भी नहीं थी, ये सारा रास्ता जो है आश्रम की ओर जा रहा है, और ये पूरा इनफैक्ट आश्रम का एरिया ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, ये सामने छोटा सा एक मंदिर भी है यहाँ पर, और ये जो धरिंदर ब्रह्मचारी जी थे ये थे पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल योगा फेडरेशन 1987-1984, इंदिरा गांधी जी के गुरु माने जाते थे ये। ये सामने इन्होंने छोटा सा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको वो सामने आप हिरन देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा आगे जाके। ये यहाँ पर इन्होंने पानी जानवरों के लिए रखा हुआ है। वो आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए। और ये देखिए, ये छोटा सा रास्ता है, ये यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे भी एक कमरा है ऊपर, आप देख सकते हैं, जाने की परमिशन नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये थंडरिंग से बचने के लिए ये ऊपर देखिए एंटीना भी लगा हुआ है, छोटा सा एक पर्सनल रूम है ये,
कमरे बने हुए हैं इसके अंदर, और उसके सामने ये बिल्कुल यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ पार्क है, छोटी सी इन्होंने बनाई हुई है, इसको मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है ये। देखिए मेडिटेशन के लिए हमें नहीं लगता कि इससे बेस्ट जगह आपको कोई मिल सकती है। तो ये उनकी कितनी पुरानी सोच होगी, आप ये भी देखिए, ये काफ़ी पुराना बना हुआ है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको भी मेंटेन किया है बिल्कुल। ये उस टाइम का आप देख सकते हैं, उनकी गाड़ियाँ पुरानी है, यहीं पर सड़ चुकी हैं, तो यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ से होते हुए ये सारा आप देख सकते हैं कि यहीं पर खड़ी खड़ी सड़ चुकी थी। तो अभी तो यहाँ पर बिल्कुल रोड की भी रीच अच्छी है, जैसे कि पीछे मैंने आपको दिखाया था 2 BHK हट्स थे, तो दोस्तों यहाँ पर हैं 1 BHK हट्स, मेडिटेशन पॉट्स और पॉली हाउस, और ये मेरी राइट साइड पर है। जब आप ऊपर से यहाँ आएंगे तो यहाँ से ये यहाँ पे गार्ड रूम है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 BHK हट्स ग्रीन पार्क, ये रास्ता हमें लेके जाएगा नीचे हट साइड पे। इस पार्क को भी ये लोग मेंटेन कर रहे हैं अभी, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, और ये सामने 1 BHK हट्स हैं, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं हमें देखने में ये। और जैसे आपने ऊपर देखे थे 2 BHK हट्स, ये नीचे यहाँ पर इंसान खुद मेडिटेशन करेगा, आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है ये, आप भी यहाँ अपनी फैमिली के साथ आएँ और यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, जो मेडिटेशन लवर हैं वो यहाँ पे आके रह भी सकते हैं, बिल्कुल पीसफुल है ये, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये समझ लो कि आप बिल्कुल एक जंगल के बीच पे, बीच में सेंटर में ये जगह बनाई गई है, इंटरनेशनल योगा सेंटर। मैं बात कर रहा था मैं आपसे 1 BHK हट, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्तों इन्होंने बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे आगे टेरेस भी है छोटी सी बैठने के लिए, और ये आप सामने देखें हट 1, नंबर 1, नंबर 2 ये साथ में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये हट 3, 4 जैसे पीछे 1, 2 थी, सेम वैसे हट्स आगे पूरी बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पीछे हट्स के बारे में दिखाया, तो अब यहाँ पे बने हुए हैं मेडिटेशन पॉट्स, सिंगल के लिए हैं, तो आप फैमिली के साथ आके हट्स पे भी रह सकते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं उनके लिए नीचे डिफरेंट पॉट्स बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप नीचे मेरी वीडियो में देख सकते हैं। ये जो नीचे वाली जगह है ये सारी रिसेंटली अभी बनी है, काफ़ी ज़्यादा एरिया एक्वायर किया हुआ है इन्होंने, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सामने का व्यू देखिए आप, बिल्कुल ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें ये पॉट बने हुए हैं, और इनके भी सीरियल है इनफैक्ट्स, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा पॉट नंबर 1 मेडिटेशन के लिए, और ये है वो, और ये वो पॉट है मेडिटेशन पॉट, यहाँ पे इसके अंदर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ये वो रूम है, ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा रूम है मेडिटेशन करने के लिए आपके, ये यहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ये अभी बन रहा है। और ये देखिए बिल्कुल जब आप सुबह यहाँ से उठेंगे, और ये सामने वैसे ही छोटे छोटे पॉट बने हुए हैं, सबको नंबरिंग हो चुकी है, तो यहाँ से ही जो ये स्टेयर्स हैं ये नीचे जाएंगी, यहाँ से नीचे जाके जो भी पॉट आपको अलॉट होगा 6, 7, 8, 9, 10 काफ़ी बड़ा एरिया दोस्तों, तो आप यहाँ पे जाके मेडिटेशन कर सकते हैं जितने दिन भी आपने रहना है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, तो मुझे भी कवर करने में इसको 2 घंटे लग चुके हैं। और ये मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं नीचे ये पॉट्स बने हुए हैं मेडिटेशन के लिए, ये देखिए ये सारे पॉट्स जो हैं मेडिटेशन के लिए बने हुए हैं। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि
जो देवेंद्र ब्रह्मचारी थे उनका ये सपना था कि यहाँ पर ये हॉस्पिटल बने, तो देखें क्या इन फ्यूचर क्या होता है। ये भी हॉस्पिटल बन के जल्दी तैयार हो जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट 80% जो काम है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हम ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ऑपरेशन हो जाए। आप भी यहाँ आएँ और आप बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग सिद्धार्थ जी ब्लॉग्स।